हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन सिविक्स का, सोशल साइंस का। इसमें होंगे हमारे क्लास नाइन्थ के नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन। एंड चैप्टर का नेम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो भी रूलर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट, जो सी भी पार्टी रूल करेगी, वो प्रॉपर इलेक्शंस के थ्रू, जो कि उस देश की जनता ही इलेक्ट करती है, प्रॉपर इलेक्शंस के थ्रू वो बॉडी, वो गवर्नमेंट जो है वो रूल करेगी, रूल में आएगी, पावर में आएगी, उसी को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। म्यांमार, वेयर द आर्मी रूल, डिक्टेटर पिनोशेट रूल इन द काइल, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करें, और प्रेजिडेंट एनक्रुमाह रूल इन द घाना वॉज नॉट डेमोक्रेटिक। एंड कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि प्रॉपर इलेक्शंस वगैरह के थ्रू नहीं, वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है, या फिर कहीं पे आर्मी रूल चलता है। जैसे यहाँ पे म्यांमार का एग्जांपल दे रखा है जहाँ पे आर्मी रूल है, फिर उसके बाद डिक्टेटर का यहाँ पे काइल का जो एग्जांपल दे रखा है वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है, पिनोशेट्स रूल, एंड जो प्रेजिडेंट एनक्रुमाह का रूल है घाना में वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है। दे वर नॉट चूजन बाय द पीपल, वहाँ पे लोगों ने नहीं चूज किया था, उनको कोई राइट नहीं था कि अपने गवर्नमेंट, अपना जो पार्टी है, कौन से पार्टी को वो रूल में ला, रूल मतलब पावर में लाना चाहते हैं, तो उनका प्रॉपर कोई इलेक्शंस वगैरह के थ्रू नहीं इलेक्ट किया जाता है, तो वो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, दे वर नॉट डेमोक्रेटिक। अब यहाँ पे बात करते हैं हेरिडिटरी kings like the king of the Nepal or Saudi Arabia are also not a democratic rulers, they rule because they were born into the noble families। and jo king wagera ka jo rule hota hai, jo ki hereditary hota hai, matlab ha raja ka beta hi next raja banega, jaise Nepal aur Saudi mein chalta hai, Saudi Arabia mein, wahan pe democratic rulers nahi hai kyunki wahan pe elect nahi hota hai, wahan pe kya hota hai ki wo isliye rule karte hain kyunki wo is noble family ya king ki family mein born hai। फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स। अब डेमोक्रेसी का मतलब समझ लिया, लेकिन क्या है उसके फीचर्स, कैसे एक कंट्री डेमोक्रेटिक बनती है। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। फिर उसके बाद जिन मतलब ऑब्वियसली बात है कि हर एक डिसीजन के लिए पूरी कंट्री को एक साथ इकट्ठा करना, मतलब ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा कंट्री में। इसकी वजह से जो भी रूलर को इलेक्ट किया गया है वही मेजर डिसीजंस लेंगे। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्शंस की वजह से एक चॉइस भी मिल जाती है, और यहाँ का एक फेयर अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि वो अपना रूलर चेंज भी कर सकते हैं। दिस चॉइस एंड द अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और वो चाहे कोई सुपर स्टार हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, सबके लिए इलेक्शंस एक प्रॉपर और फेयर अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन्स राइट। इसी प्रोसेस के थ्रू, इलेक्शंस के प्रोसेस के थ्रू हम एक गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि बेसिक, और गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं चलती है जो कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल वगैरह लिखे गए हैं, और जो सिटीजन के राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उसी के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी आपने, जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया है वही पावर में आएगा, वही डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं है कि उसके बिहाफ पे कोई और डिसीजन ले रहा है या वहाँ कुछ और ही चल रहा है, ठीक है, जिससे पब्लिक जो है, पब्लिक को उसका कुछ पता नहीं है। पब्लिक ने जिसको इलेक्ट किया है, जिसको पब्लिक ने समझा है कि हाँ ये है, यही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट या ऐसा कुछ भी इलेक्ट करता है, जिस पार्टी को इलेक्ट करता है वही लोग, और वो जो पार्टी जिस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है उसी के हाथ में फाइनल पावर होनी चाहिए। इन 1999 अ मिलिट्री जनरल परवीज मुशर्रफ टुक ओवर द गवर्नमेंट। इसी में ऐसे क्या हुआ था कि 1999 में मिलिट्री जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया था। फिर 2002 में ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू द प्रेजिडेंट, और उन्होंने खुद ही अपने आप को प्रेजिडेंट घोषित कर दिया था। ऑल्सो हेल्ड अ रेफरेंडम दैट ग्रांटेड हिम द 5 years ऑफ द एक्सटेंशन, और जिसकी वजह से फिर 5 years का एक्सटेंशन भी उन्होंने कर दिया कि हाँ 5 साल तक हम ही रहेंगे। इन 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क, 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क इशू किया अकॉर्डिंग टू विच ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। इट गेव द प्रेजिडेंट द राइट टू डिसमिस द नेशनल प्रोविंशियल असेंबली। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे क्यों, लीगल फ्रेमवर्क के तहत, कि हाँ अब जो प्रेजिडेंट है, प्रेजिडेंट के पास राइट है कि वो कोई भी नेशनल असेंबली या फिर कोई भी प्रोविंशियल असेंबली है उसको डिसमिस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये सब करना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया है वो करना चाहिए। ये नहीं कि कोई बंदा आया उसको टुक ओवर कर लिया, उसने बहुत सारे चेंजेस वगैरह कर दिए, तो वो सब चीज़ें गलत हैं। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट वॉज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच वॉज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री। आफ्टर द लॉ वॉज पास्ड इलेक्शंस वर हेल्ड इन द असेंबलीज। द
द वर्क ऑफ द जो सिविलियन कैबिनेट वगैरह जो काम करते हैं इनको कौन सुपरवाइज करता है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि डोमिनेट करती है, मिलिट्री उसको डोमिनेट करती है. आफ्टर द लॉ वॉज पास्ड इलेक्शंस वर हेल्ड इन द असेंबलीज, और उसके बाद जो है असेंबलीज वगैरह में इलेक्शंस होते हैं. उसके बाद देयरफॉर देयर वर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दैट हैड सम पावर, बट जो फाइनल पावर थी वो किसके हाथ में थी? फाइनल पावर वॉज अंडर मिलिट्री के हाथ में थी, जनरल मुजफ्फर. यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो सिविलियन कैबिनेट है उसको सुपरवाइज कर रहा है कौन? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. लेकिन उसको भी कौन डोमिनेट कर रहा है? मिलिट्री, क्योंकि फाइनल पावर मिलिट्री के हाथ में है, जनरल मुशर्रफ के हाथ में, आई एम सो सॉरी अगेन, ठीक है, उनके हाथ में. ओके, तो इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए. इस जो आप हेडिंग देख सकते हो वही है कि फाइनल डिसीजन शुड बी इन द पर्सन हु वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन द पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ द लूजिंग. एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए कि हाँ जो पार्टी अभी करंटली रूल कर रही है, करंटली पावर में है, हाँ अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो ऐसा लोगों को लग सकता है कि हाँ क्या पता ये भी हार सकती है ये भी जीत सकती है. लेकिन अगर एकदम पावर में रहना या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना होना तो क्या पता वही पार्टी वापस पावर में आ जाए चीटिंग वगैरह के थ्रू, जो भी मनी चीटिंग्स वगैरह होती हैं आपने पढ़ रखा है उसकी वजह से. इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द, और इसमें चाइना का बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है कि चाइना में जो होते हैं इलेक्शंस हर साल होते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं. इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल द क्वांगुओ रेनेम दाइबियाओ दहुई. यहाँ पे ये इनका पार्लियामेंट का नाम है. पार्लियामेंट से इलेक्ट करने के लिए नेशनल जो कि इनकी पार्टी का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है. तो हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैबिनेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिटी. बट इलेक्शंस करवाने से पहले भी, ठीक है, जो एक कैबिनेट अगर वो खड़ा हो रहा है इलेक्शंस के लिए तो उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से क्या करना है? अप्रूवल लेना है. ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller पार्टीज अलाइड टू विल इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन. और ये एक तरीके का डेमोक्रेसी नहीं है. बट यहाँ पे क्या होता है कि आप सिर्फ 5 साल बाद इलेक्शन करवा रहे हो, सिर्फ वही डेमोक्रेसी नहीं हो जाती है, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जो 8 छोटी-छोटी पार्टीज हैं, ठीक है, सिर्फ वही है अलाउ करती हैं कि हाँ बस दे वर ओनली अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं या जो भी न्यू कैबिनेट वगैरह आ रहा है उसको अप्रूवल देना है नहीं देना है ये सब इन्हीं के हाथ में. सिंस इट्स इट्स इंडिपेंडेंस इन द 1930 मेक्सिको होल्ड द पोजिशन आफ्टर एवरी ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेजिडेंट. अब यहाँ पे हम दूसरा केस करेंगे कि जो इंडिपेंडेंस में 1930 के बाद मेक्सिको का आया था कि मेक्सिको हर साल इलेक्शंस करवाते हैं अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए. बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय द पार्टी कॉल्ड द PRI. बट 2000 तक क्या होता था कि हर इलेक्शन जो होता था कौन सी पार्टी जीती थी? PRI, मतलब इंस्टीट्यूशनल. अंटिल मतलब 2000 तक यही हुआ कि PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है यही जीत रही थी इलेक्शंस. द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी टिकट्स टू विन द इलेक्शन. मतलब उन्होंने बहुत ही यूज मैनी ट्रिक्स, बहुत सारी ट्रिक्स की ताकि इलेक्शंस वगैरह वो जीते. इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव अ वन वैल्यू. यहाँ पढ़ते आ रहे हो कि डेमोक्रेसी ये भी होता है कि हर एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट करने का राइट है एंड हर वोट की वैल्यू एक ही है. ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन ने वोट किया तो उसमें 1000 काउंट हो जाएगा या फिर कोई एक्टर ने या फिर कोई सुप्रीम पावर ने ऐसा वोट किया तो उनका ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा. लेकिन अगर एक आदमी सबका जो है हर एक एडल्ट सिटीजन का वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू. इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट. सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट नहीं है वोट करने का. इस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट द पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट ऑफ. एंड इस्टोनिया में कुछ ऐसा सिटीजनशिप रूल है कि हाँ जो लोग रशिया से बिलोंग करते हैं और माइनॉरिटी में ऑब्वियसली, ठीक है, उनको थोड़ी दिक्कतें होती हैं कि वोट जो राइट टू वोट वाला है उनको नहीं मिलता है. ये उनको राइट उनसे यू नो वंचित रखा जाता है. कहो क्या उनको इसका प्रॉपरली फायदा नहीं मिलता है या उनको ऐसा मना कर दिया जाता है. इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन. अब फिजी का यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताए एक्सेप्शनल. फिजी में क्या होता है, उनका कुछ इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि अगर एक फिजी वाला जो इंसान जिसकी सिटीजनशिप फिजी ही है हमेशा से, ठीक है, तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी. लेकिन अगर कोई इंडियन फिजियन है, मतलब पहले इंडियन था अब फिजियन है, तो उसके वोट की वैल्यू कम कंसिडर की जाएगी.
A democratic government's rule within the limits set by the constitution law and citizen rights. एक democratic government जिसको elect किया है वो भी एक limit में रहती है, वो limit जो कि constitution में लिखी गई है, जो constitution law, citizen की जो rights हैं उसके हिसाब से. Zimbabwe gained independence in the year of the 1980. Since then, the country had been ruled by the party ZANU-PF. This party led the freedom struggle in the leadership of the Robert Mugabe. जब जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला था 1980 में, तो जो जानू पीएफ वाली जो पार्टी है ये रूल करती थी कंट्री को. लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने भी जो फ्रीडम वाली चीज़ होती है इसको सप्रेस करके और बहुत सारे ट्रिक्स यूज करके इन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट मुगाबे इन्होंने फिर वही डर्टी ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. सिंस देन द इलेक्शंस हैड हेल्ड एट अ रेगुलर पेस एंड वन बाय. और फिर क्या होता था, इलेक्शंस हर साल हो रहे हैं रेगुलर पेस पे हो रहे हैं, लेकिन हर साल यही पार्टी जीत रही है. President Mugabe is a popular but also uses unfair practices in the election. बहुत ही popular थे वो उस time पे, but unfair जो है practices इस्तेमाल करते थे elections वगैरह जीतने के लिए. Over the year, this government has changed the constitution several times to increase its power and less accountability. और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने constitution में changes लेकर आए ताकि इनकी power बढ़ जाए और लोगों के पास थोड़ा कम power हो, इनके पास ज़्यादा power हो. Amendment वगैरह करी constitution में. The opposition party workers were harassed and their meetings were disrupted. Public demonstration against the government are illegal. और इतने सारे harsh changes करना कि opposition party के workers को harassed करना, उनके meetings वगैरह disrupt कर देना, and जितने भी public demonstration, अगर कोई उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाना चाहे public एक साथ मिलजुट के, तो वो भी उन्होंने illegal considered किया था. Televisions and radios are controlled by the government and give only the ruling party's vision. और जो टेलीविजन और रेडियो उसमें भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था, लोग वही देख सकते हैं जो कि एक रूलिंग पार्टी के विजन, जो रूलिंग पार्टी दिखाना चाहे. देर आर द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स हैं बट द गवर्नमेंट हरासेस जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट देम. बहुत सारे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स भी थे उस टाइम पे, बट गवर्नमेंट उनको भी हरास करती थी जर्नलिस्ट को कि सिर्फ यही छापना, इसके अलावा हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं करना है. ओके, जैसे यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे खड़ा, ऑल राइट हु सेड दैट, लोगों को डरा के धमका के रखना इस तरीके से. आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. अब क्या होता है कि कुछ लोग डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी क्यों अच्छी नहीं है, उनके खिलाफ बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर्स चेंज होते रहते हैं एंड लीडर्स चेंज होने के कारण एक इंस्टेबिलिटी आ जाता है. ये एक आर्ग्यूमेंट है बेसिकली जो लोग कहते हैं. जैसे कोई आप चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ कर लो, लोग उसका कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट्स लेके आ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ इसलिए खराब है. लीडर्स कीप चेंजिंग और लीडर्स, ये एक बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी को सप्रेस करने का कि हाँ ये एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. तो उसके लिए कि हाँ लीडर्स चेंज होते रहेंगे तो इंस्टेबिलिटी रहेगी. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी. ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज लड़ती रहती हैं. ऑब्वियस बात है, कॉम्पिटिशन रहेगा ही और पावर प्ले रहता है कि हाँ जिसका पावर है वो कोशिश करता है कि इस तरीके से इलेक्शन जीतने की कोशिश करता है. मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं रह जाता. सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन द डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले, और डिले वगैरह भी हो जाता है इलेक्शंस वगैरह के चलते. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू द बैड डिसीजंस. जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको लोगों का इंटरेस्ट नहीं पता चल पाता और कभी कभी वो बैड डिसीजंस ले लेते हैं. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. डेमोक्रेसी क्या होती है, करप्शन, मतलब डेमोक्रेसी की वजह से करप्शन होता है जिस इट इज बेस्ड ऑन. और डेमोक्रेसी क्यों हो रही है, डेमोक्रेसी का जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमने बताया कि डेमोक्रेसी की वजह से क्या है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हो रहा है. तो लोग कहते हैं इसकी वजह से करप्शन होता है क्योंकि डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी होगी नहीं इलेक्शन में तो लोग डर्टी ट्रिक्स वगैरह यूज नहीं करेंगे. एक ये आर्ग्यूमेंट है. ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो वॉट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. और ये लोग कहते हैं कि लोगों के पास कोई ना दिमाग है, उनको ये नहीं पता कि उनके लिए कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, तो इस उनको कुछ डिसाइड करने के लिए देना ही नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रखे गए हैं. आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज. आर्ग्यूमेंट्स फॉर वो था अगेंस्ट, ये है फॉर, कि उसके फायदे में कि हाँ क्यों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ, क्योंकि एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ये जिस तरीके से चाल चलन रहता है इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है. ठीक है, डेमोक्रेसी देश को चलाना बहुत अच्छे से जानती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है. डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग भी अच्छा रहता है क्योंकि जिसको लोगों ने चूज किया ऑब्वियस बात है लोगों ने उसके अंदर और अपने अंदर कुछ उस पार्टी में कुछ सिमिलैरिटी देखी होगी उसकी डिसीजन मेकिंग में, इसलिए उनकी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव रहती है डेमोक्रेसी से. डेमोक्रेसी प्रोवाइड द मेथड टू डील विद द डिफरेंसेज एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स. डेमोक्रेसी
यू नो मेथड भी प्रोवाइड करती है कि आप डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनके साथ डील करते हुए आप अपनी पार्टीज को इलेक्ट करो. डेमोक्रेटी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन. सिटीजन के हाथ में ऑब्वियसली राइट है वोट करने का, तो वो डिग्निटी सिटीजन की इनहेंस रहती है. डेमोक्रेसी इज अ बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एज इट अलाउ द रूलर्स टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. मान लो अगर आपने गलती से किसी और पार्टी को वोट दे दिया या कुछ ऐसा हो गया, तो आप चेंज भी कर सकते हो. 5 years का टाइम भी है कि आप उसके बाद सोच समझ के उसका काम देख के आप फिर चेंज कर सकते हो. तो वो आपको एक यू नो मिस्टेक सही करने का अपॉर्चुनिटी भी देता है. डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप और मोनार्की से बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि हाँ डिक्टेटरशिप और मोनार्की में थोड़े से चेंजेस कर दिए. जैसे मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी को लोग समझते हैं 5 years बाद बस इलेक्शन करवाना, ठीक है, और वोट का राइट देना, ठीक है, लेकिन वोट किसको मिल रहा है, बस एक उसी पार्टी को मिल रहा है. इस तरीके से वो डिक्टेटरशिप वगैरह हो जाना या मोनार्की, किंग जो है उसका बेटा ही रूल करेगा, इस तरीके की चीज़ें. ब्रॉडर मीनिंग, और ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फॉर और आर्ग्यूमेंट्स बताओ फॉर और अगेंस्ट के, तो वो आप याद रखना. ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अ डेमोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट. यहाँ पे हम देखेंगे डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग. डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब जो पार्टी आपने इलेक्ट की है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव कैसे काम करेगी. डेमोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट को छोड़ दे तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, ये पूरा प्रोसेस इलेक्शन का, उसके बाद इलेक्ट करने का, उसके बाद डिसीजंस लेने का, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है. अ डेमोक्रेसी डिसीजन इन्वॉल्व्स अ कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन. मतलब इसमें सबका ध्यान रखना, ठीक है, कि क्या किस चीज़ से कौन अफेक्ट हो रहा है इस डिसीजन से, या किसका क्या कंसेंट है, सबका कंसेंट लेके डिसीजन रखना, तो ये होता है एक डेमोक्रेटिक डिसीजन. Something we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all the democracy must aim to become. कभी कभी हम ये जो word है democracy हम इसलिए use करते हैं, इसलिए नहीं use करते कि हाँ for example India democratic country है, अगर मैंने ये बोल दिया तो हाँ मैं उस particular party जो अभी India में rule कर रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो government की बात कर रही हूँ जो अभी rule कर रही है. मैं democracy का इस्तेमाल इसलिए भी कर सकती हूँ कि हाँ कि ये होता है एक ideal standard, इस तरीके से democracy की जाती है, इसलिए मैं इसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रही हूँ. ऐसा ही सब जो देश कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलती हैं वो इसी तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके का. ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड. अब ये कुछ चीज़ें कि एक ट्रू डेमोक्रेसी मैं तब कहूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि डेमोक्रेसी बोल दिया तो इसलिए नहीं कि हाँ ये गवर्नमेंट को बोल रही हूँ मैं कि डेमोक्रेटिक मतलब ये गवर्नमेंट जो रूल कर रही है. डेमोक्रेटिक का मतलब ये भी होता है कि हाँ डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब इस देश में कोई भी भूखे पेट नहीं सो रहा है. Democratic, it enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. Democracy, यानी हाँ ये power में तो है लेकिन इसकी ये weaknesses हैं इस party की. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. और इससे हमें ये भी पता लगता है कि हाँ इस country में minimal democracy है, इस country में good democracy है, ये distinguish करने में help करता है. ये सब आपको जानना चाहिए, ये है broader meaning of democracy जो कि आपको याद रखना है. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया जो अगेंस्ट वाला है, एंड ये जो सबके एक्सेप्शंस है कि हाँ राइट टू वोट है बट इन कंट्रीज में ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन है, किसी में वुमेन को वोट नहीं, किसी की वैल्यू ज़्यादा है वोटिंग की, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा कि फ्री और फेयर इलेक्शंस वगैरह होते हैं, बट कहीं कहीं पे क्या होता है फ्री एंड फेयर के नाम पे ऐसा डर्टी ट्रिक्स वगैरह यूज़ करना, ये सब एक्सेप्शंस आपको याद रखना है हर किसी केस में. इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिविक्स के. थैंक यू वेरी मच.